हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीजल मैकेनिक के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन सीबी टू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, एक सोल्डरन जोड़ है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंजन से भी छीन। एक सोल्डरिंग जॉइंट ब्रेंजिंग जॉइंट से भी कमज़ोर होता है। क्वेश्चन नंबर टू, खालिस्तान को रोकने हेतु स्प्रिंग वाशर प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंपन की वजह से नट का ढीला होना। कंपन की वजह से नट का ढीला होना को रोकने हेतु स्प्रिंग वाशर प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक फिलर गेज खालिस्तान को जांचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकासी क्लीयरेंस। एक फिलर गेज क्लीयरेंस जांचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, बेलनाकार कार्यों पर छिद्रों का वेधन सामान्यतः खालिस्तान प्रयुक्ति द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी ब्लॉक। बेलनाकार कार्यों पर छिद्रों का वेधन सामान्यतः वी ब्लॉक प्रयुक्ति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक हॉर्स पावर खालिस्तान के बराबर है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 740 वाट। एक हॉर्स पावर 740 वाट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0.03 मिलीमीटर। मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम थिकनेस 0.03 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एक डीजल इंजन में खालिस्तान के कारण आघात होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वल लेक। एक डीजल इंजन में इग्निशन लेक के कारण आघात होता है। एक डीजल इंजन में इग्निशन लीक के कारण नॉकिंग होती है। क्वेश्चन नंबर एट, पी प्रकार के इंजनों में बेलनों के बीच सामान्यता कौन कौन सा होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। पी प्रकार के इंजनों में सिलेंडरों के बीच सामान्य कौन 60 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, घर्षण हॉर्स पावर खालिस्तान होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, IHP-BHP। फ्रिक्शन हॉर्स पावर इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, ABS क्या होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली। ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को खालिस्तान कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाल्व टाइमिंग। पिस्टन के एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक इंटरनल कंबसन इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को वाल्व टाइमिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साफ्टों के गुंडन हेतु निम्नलिखित करने के लिए गियर प्रयुक्त किए जाते। ऑप्शन ए, गति बढ़ाने। ऑप्शन बी, गति घटाने। ऑप्शन सी, घूर्णन की दिशा परिवर्तन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। साफ्टों के गुंडन हेतु गति बढ़ाने के लिए गियर प्रयुक्त किए जाते। साफ्टों के घूर्णन हेतु गति घटाने के लिए गियर प्रयुक्त किए जाते। साफ्टों के घूर्णन हेतु घूर्णन की दिशा परिवर्तन के लिए गियर प्रयुक्त किए जाते। आंसर होगा उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 13, 1 मेगा ओम खालिस्तान होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 की घात 6 ओम्स, 1 मेगा ओम 10 की घात 6 ओम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्सर्जन परीक्षा के दौरान किस गैस का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी NOx, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। उत्सर्जन परीक्षण के दौरान CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मापन किया जाता है। उत्सर्जन परीक्षण के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मापन किया जाता है। उत्सर्जन परीक्षण के दौरान NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, परिपथ में कितनी धारा बहती है जब वोल्टता 1.5 वोल्ट तंतु प्रतिरोध 1K ओम्स होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.5 मिली एम्पियर। परिपथ में 1.5 मिली एम्पियर धारा बहती है जब वोल्टता 1.5 वोल्ट तंतु प्रतिरोध 1K ओम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ईंधन ब्रैकेट हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट क्लोज प्लस एयर ब्रैकेट ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू O2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन ब्लैंक दहन प्रक्रिया होती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए परिपूर्ण। ईंधन ब्रैकेट हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट क्लोज प्लस एयर ब्रैकेट ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू O2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन परिपूर्ण परफेक्ट दहन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 17, 6 बेलन इंजनों के लिए क्रैंकशाफ्ट के अक्ष चारों ओर खालिस्तान डिग्री के कोण पर क्रैंक पिनों की अभिकल्पना की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। 6 सिलेंडर इंजनों के लिए क्रैंकशाफ्ट के अक्ष चारों ओर 120 डिग्री के कोण पर क्रैंक पिनों की डिजाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का मापन खालिस्तान की सहायता से किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी कैलोरीमीटर। निर्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का मापन कैलोरीमीटर की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित ईंधनों का कैलोरीफिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए बॉम कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ठोस ईंधन, ऑप्शन बी द्रव ईंधन, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एवं बी। ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल्स का कैलोरीफिक मान का निर्धारण करने के लिए बॉम कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल्स का कैलोरीफिक मान का निर्धारण करने के लिए बॉम कैलोरीमीटर का प्रयोग किया था। आंसर होगा दोनों ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्रतिरूपी मध्यम गति 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में इनलेट वॉल खालिस्तान है। आंसर होगा ऑप्शन ए ऊपरी निष्क्रिय केंद्र से पूर्व 20 डिग्री पर खुलता है एवं निचले निष्क्रिय केंद्र के उपरांत 35 डिग्री पर बंद होता है। 1 प्रतिरूपी मध्यम गति 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में इनलेट वॉल्व टॉप डेड सेंटर से पहले 20 डिग्री पर खुलता है एवं बॉटम डेड सेंटर के बाद 35 डिग्री पर बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 21, IC इंजनों का संपीड़न अनुपात खालिस्तान होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए
संपीड़न स्ट्रोक से पूर्व एवं संपीड़न स्ट्रोक के उपरांत बेलन में वायु में आयतनों का अनुपात। इंटरनल कंबसन इंजनों का संपीड़न अनुपात, संपीड़न स्ट्रोक से पूर्व एवं संपीड़न स्ट्रोक के उपरांत बेलन में वायु में आयतनों का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 22। एक चार स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या आरपीएम में इंजन की गति खालिस्तान होती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक आधा। एक चार फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या रिवॉल्यूशन पर मिनट में इंजन की गति 1/2 होती है। क्वेश्चन नंबर 23। स्पार्क के पैसेज से पूर्व इंजन के अंदर कतिपय गर्म सतह द्वारा चार्ज के प्रज्वल को खालिस्तान कहते हैं। आंसर पूर्व प्रज्वल। स्पार्क के पैसेज से पूर्व इंजन के अंदर कतिपय गर्म सतह द्वारा चार्ज के प्रज्वल को प्री इग्निशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सामान्य डीजल के साथ वनस्पति तेल पशु चर्बी के उत्ती मिश्रण के अंतिम उत्पाद को खालिस्तान कहते हैं। आंसर ऑप्शन ए बायोडीजल। सामान्य डीजल के साथ वनस्पति तेल पशु चर्बी के उत्मिश्रण के अंतिम उत्पाद को बायोडीजल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक डीजल इंजन बेलन में निम्नलिखित माध्यम से संपीड़ित किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए सिर्फ वायु। एक डीजल इंजन सिलेंडर में सिर्फ वायु माध्यम से संपीड़ित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। एक आईसी इंजन में फायरिंग क्रम खालिस्तान पर निर्भर होता है। ऑप्शन ए बेलोनों की व्यवस्था, ऑप्शन बी क्रैंकशाफ्ट की अभिकल्पना, ऑप्शन सी बेलोनों की संख्या, ऑप्शन डी उक्त सभी। आंसर है उक्त सभी। एक इंटरनल कंबसन इंजन में फायरिंग ऑर्डर सिलेंडर के अरेंजमेंट में निर्भर होता है। एक आईसी इंजन में फायरिंग ऑर्डर क्रैंकशाफ्ट की डिजाइन पर निर्भर होता है। एक आईसी इंजन में फायरिंग ऑर्डर सिलेंडरों की संख्या पर निर्भर होता है। आंसर होगा उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक दहन इंजन नहीं है। ऑप्शन है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ऑप्शन सी डीजल इंजन, ऑप्शन डी स्टीम टर्बाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टीम टर्बाइन। स्टीम टर्बाइन एक आंतरिक दहन इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। वाहनों में निम्नलिखित प्रकार के शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वायु शीतलन प्रणाली, ऑप्शन बी जल शीतलन प्रणाली, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर ऑप्शन सी वाहनों में वायु शीतलन प्रणाली एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में जल शीतलन प्रणाली वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा दोनों ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 29। सामान्यतः विकिरक शीतलक पाइप खालिस्तान से बने होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी ताम्र कॉपर। सामान्यतः रेडिएटर कूलिंग पाइप्स कॉपर से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दो स्ट्रोक इंजनों में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक चलता है तो खालिस्तान होता है। ऑप्शन बी संपीड़न एवं चूसन। टू स्ट्रोक इंजनों में जब
पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक चलता है तो कंप्रेशन और सक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 31। चार स्ट्रोक इंजन के मामले में कार्यकारी साइकिल क्रैंकशाफ्ट के निम्नलिखित गुणनों में पूर्ण होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चार स्ट्रोक इंजन के मामले में कार्यकारी साइकिल क्रैंकशाफ्ट के दो घूर्णनों में पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 32। एक पिस्टन का व्यास 0.09 मीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। आंसर ऑप्शन नंबर सी 28.27 सेंटीमीटर। एक पिस्टन का व्यास 0.09 मीटर है तो इसकी परिधि 28.27 सेंटीमीटर होंगी। क्वेश्चन नंबर 33। खालिस्तान मापने के लिए गहराई माइक्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए छिद्रों की गहराई, ऑप्शन बी खांचे एवं रिसेसों की गहराई, ऑप्शन सी संद एवं प्रक्षेपों की ऊंचाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। छिद्रों की गहराई मापने के लिए गहराई माइक्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। खांचे एवं रिसेसों की गहराई मापने के लिए माइक्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। शोल्डर एवं प्रक्षेपों की ऊंचाई मापने के लिए गहराई माइक्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में खालिस्तान उपलब्ध कराया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी कैनिस्टर। कैनिस्टर वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में कैनिस्टर उपलब्ध कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 35। वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न कम अंश सम्मिलित है को खालिस्तान मिश्रण कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी रिच। वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित है को रिच मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सीआई इंजनों में पर जब ले खालिस्तान में मापा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी सीटेन संख्या। कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में इग्निशन लेग सीटेन नंबर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। ब्रेक हॉर्स पावर खालिस्तान पावर होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लाई व्हील पर उपलब्ध। ब्रेक हॉर्स पावर फ्लाई व्हील पर उपलब्ध पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 38। जब एक नट के नीचे वाशर स्थापित करने के द्वारा उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति खालिस्तान हो जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए तनन प्रतिबल। जब एक नट के नीचे वाशर स्थापित करने के द्वारा उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति तनन प्रतिबल टेंसर स्ट्रेस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39। MPFI का अर्थ है। आंसर ऑप्शन नंबर सी बहु बिंदु ईंधन अंतक्षेपण। MPFI का अर्थ है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40। टार्क का मापन खालिस्तान में किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर। टार्क का मापन न्यूटन मीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। 6 बेलन इंजन का फायरिंग क्रम खालिस्तान होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए 153624। 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर 153624 होता है। क्वेश्चन नंबर 42।
एक इंजन की स्ट्रोक लंबाई 110 मिलीमीटर है एवं बोर व्यास 9 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन कितना है? आंसर ऑप्शन नंबर ए 699.78 सीसी। एक इंजन की स्ट्रोक लंबाई 110 मिलीमीटर है एवं बोर व्यास 9 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन 699.78 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। तरलता का मापन अथवा तरल के प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी श्यानता विस्कोसिटी। तरलता का मापन अथवा तरल के प्रवाह के प्रतिरोध को श्यानता विस्कोसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। शुष्क एवं क्लेत परीक्षणों का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए संपीड़न दाब मापने हेतु। ड्राई एवं वेट परीक्षणों का प्रयोग संपीड़न दाब मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। जब बेयरिंग का भार सतह संपर्क तक प्रत्येक सतह द्वारा वहित किया जाता है तो उसे खालिस्तान कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी शुष्क स्थिति। जब बेयरिंग का भार सतह संपर्क तक प्रत्येक सतह द्वारा वहित किया जाता है तो उसे ड्राई कंडीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। ऑटो साइकिल में ऊष्मा जोड़ एवं अस्वीकृति खालिस्तान पर होती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थिरता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्थिरांक आयतन। ऑटो साइकिल में ऊष्मा जोड़ एवं रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। क्वेश्चन 47। बेलन बोर का मापन खालिस्तान द्वारा किया जा सकता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए आंतरिक माइक्रोमीटर। सिलेंडर बोर का मापन आंतरिक माइक्रोमीटर इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा किया सकता है। क्वेश्चन नंबर 48। एक कार्बोरेटर का प्रयोग खालिस्तान का प्रदाय करने के लिए किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल एवं वायु। एक कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल एवं वायु की सप्लाई करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। खालिस्तान के लिए मोर्स परीक्षण का आयोजन किया जा सकता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुबेलन इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन्स के लिए मोर्स परीक्षण का आयोजन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50। सैद्धांतिक रूप से वायु एवं पेट्रोल का सही मिश्रण खालिस्तान है? आंसर ऑप्शन नंबर सी 20:1। सैद्धांतिक रूप से वायु एवं पेट्रोल का सही मिश्रण 20:1 है। क्वेश्चन नंबर 51। समीकरण y=3x-9 का x अंतःसंवेदी क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी 9। समीकरण y=3x-9 का x अंतःसंवेदी 9 है। क्वेश्चन नंबर 52। ब्रैकेट x³+y³ ब्रैकेट क्लोज का गुणनखंड करें? आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रैकेट x-5 ब्रैकेट क्लोज की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 53। एक पेंटागन में कौन सा आंतरिक कोण बनता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी 72 डिग्री। एक पेंटागन में 72 डिग्री का आंतरिक कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी
सब वेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी वेग। बल फोर्स सदिश राशि है, सब वेग मोमेंटम सदिश राशि है, वेग वेलोसिटी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान मास। द्रव्यमान मास एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, दहन प्रक्रिया में खालिस्तान स्थिति पर पेट्रोल इंजन में अधिस्फोटन होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अंत में दहन प्रक्रिया में अंत स्थिति पर पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है, आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राम प्रति किलोमीटर। उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है ग्राम प्रति किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, एक डीजल इंजन में खालिस्तान द्वारा ईंधन प्रज्वलित होता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी संपीड़न वायु से वाष्प परिणाम जो दहन द्वारा प्रदत्त होता है। एक डीजल इंजन में संपीड़न वायु से वाष्प परिणाम जो दहन द्वारा प्रदत्त होता है द्वारा ईंधन प्रज्वलित होता है। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा अधिक श्यान लूप तेल है, ऑप्शन ए SEA 30, ऑप्शन बी SAE 50, ऑप्शन सी SAE 70, ऑप्शन डी SAE 80, आंसर ऑप्शन नंबर डी SAE 80, अधिक श्यान विस्कस लूप ऑयल है। क्वेश्चन नंबर 59, एक निर्धारित समय में किए गए कार्य की दर खालिस्तान होती है, आंसर ऑप्शन नंबर बी शक्ति पावर। एक निर्धारित समय में किए गए कार्य की दर शक्ति पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 60, CI इंजनों में वाल्व व्यवस्था का तरीका, ऑप्शन ए आई शीर्ष इंजन, ऑप्शन बी टी शीर्ष इंजन, ऑप्शन सी एस शीर्ष इंजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, आंसर है उपरोक्त सभी। कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में वाल्व व्यवस्था का तरीका है आई हेड इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में वाल्व अरेंजमेंट का तरीका है टी हेड इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में वाल्व अरेंजमेंट का तरीका है एच हेड इंजन, आंसर होगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।